हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 रसायन भाग 1 का अध्याय 3। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में चर्चा किया था, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के बारे में। आइए इसमें देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, इसको समझा जाए ध्यान से। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। ध्यान से आप समझिएगा विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को, ठीक है, परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप जो है विद्युत ऋणात्मकता होती है। परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप विद्युत ऋणात्मकता है। परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का माप विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को मापा जा सकता है। किंतु विद्युत ऋणात्मकता जो है वह मापने योग्य नहीं है, ठीक है। फिर भी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के लिए कई संख्या सूचक पैमाने का विकास हुआ है, ठीक है। तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के लिए कई संख्या सूचक पैमाने का विकास हुआ है, जैसे पालिंग पैमाना, मुल्किन जफे पैमाना, अलर्ड रेचो पैमाना आदि। पालिंग पैमाना जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है ठीक है। आप विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में आपको बताया गया कि परमाणु के रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप जो है विद्युत ऋणात्मकता है। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को मापा जा सकता है, किंतु विद्युत ऋणात्मकता मापने योग्य नहीं है। फिर भी तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता के लिए कई संख्या सूचक पैमाने का विकास हुआ है, जैसे पॉलिंग पैमाना, मुल्किन जफे पैमाना, अलर्ड राचो पैमाना आदि, ठीक है। पॉलिंग पैमाना सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने सन 1922 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता को 4 आंका, ठीक है। अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने सन 1922 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता को 9.0 आंका, 4.0 आंका, इस तत्व की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक है, ठीक है। इस तत्व के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉलिंग पैमाना होता है वो सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने सन 1922 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता को 4 आंका था। इस तत्व की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। कुछ तत्वों की ऋणात्मकता का मान 3.5 में दिए गए हैं, ठीक है।
कुछ तत्वों के विद्रव्यता का मान जो है वह 3.8 में दिए गए हैं। पॉलिंग पैमाने के अनुसार आप देख सकते हैं, यह है आपका चित्र 3.8 क और ख, यह है आपका क 3.8 क विद्युत रणता का मान पॉलिंग पैमाना है। दूसरा है 3.8 ख विद्युत रणता का मान पॉलिंग पैमाना है। तो पहले हम देखते हैं परमाणु आवर्त सेकेंड के, परमाणु आवर्त थर्ड के विद्रणता का मान को। तो आवर्त सेकेंड के जो परमाणु हैं, लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक की बात हो रही है, तो लिथियम से फ्लोरीन तक अगर देखा जाए तो आयनन विद्रणता जो है वह बढ़ रही है। लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.5, बोरान का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4 है। ठीक है, अगर आवर्त थर्ड में देखा जाए जिसमें सोडियम का विद्रव्यता का मान 0.9, मैग्नीशियम का 1.2, एल्युमिनियम का 1.5, सिलिकन का 1.8, फास्फोरस का 2.1, सल्फर का 2.5 और क्लोरीन का 3 है। तो आवर्त सेकेंड हो या आवर्त थर्ड हो, जब हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं, सोडियम से क्लोरीन की तरफ बढ़ते हैं, तो विद्युत रणात्मकता का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, अब किसी वर्ग में देखते हैं क्या होता है। वर्ग में, वर्ग फर्स्ट को लेते हैं क्षार धातु को, लिथियम से सीजियम तक विद्युत रणात्मकता का मान। तो जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत रणात्मकता का मान घटता जाता है, 1 से घटकर 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। ठीक है, यह वर्ग 1 का था। अब वर्ग 17 का भी देख लें, यह है आपका परमाणु वर्ग 17 के, फ्लोरीन से एस्टेटिन तक। इसमें भी आप देखें कि विद्रव्यता का जो मान है वह 4, 3, 2, 2.5 या 2.8, 2.2, यह भी घट रहा है। तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्रव्यता का मान घटता है, जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत रणता का मान बढ़ता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से, अभी अभी आपको बताया गया कि यहां तक आप पढ़े हैं, इसके आगे देखें। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं होती है। विद्युत ऋणात्मकता जो है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता जो है वह किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं होती है। इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता का मान जो है वह किसी एक तत्व के लिए स्थिर नहीं होता है। इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा है। हालांकि यह मापने योग्य राशि नहीं है, हालांकि यह मापने योग्य राशि नहीं है, फिर भी दो परमाणु आपस में किस प्रकार के बल से जुड़े होते हैं इसकी प्रगति करने का आधार देती है। इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता जो है किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं है। इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा है। हालांकि यह मापने योग्य राशि नहीं है, फिर भी दो परमाणु आपस में किस प्रकार के बल से जुड़े हैं इसकी प्रयुक्त करने का आधार देती है, जिसके बारे में आप आगे जानेंगे। ठीक है, साधारणतया विद्युत रणात्मकता का मान जो है, साधारणतया विद्युत रणात्मकता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर बढ़ती है, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर बढ़ती है, तथा वर्ग में नीचे फ्लोरीन से एस्टेटिन तक जाने पर कम हो जाती है।
ठीक है। तो साधारणतया विद्युतात्मकता जो है वह आवर्षारी में आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर बढ़ती है और वर्ग में नीचे जाने पर कम होती है। यह प्रवृत्ति जो है कैसे समझाई जाए? क्या विद्युतात्मकता को परमाणु त्रिज्या से संबंधित माना जा सकता है? क्या विद्युतात्मकता को परमाणु त्रिज्या से संबंधित माना जा सकता है जो आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर घटती हैं? आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर घटती हैं और वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती हैं। विद्युतात्मकता को परमाणु त्रिज्या से जुड़ा हुआ माना जा सकता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो होती है वह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। उसी तरह से विद्युतात्मकता भी है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, जैसे परमाणु त्रिज्या होता है। तो क्या विद्युतात्मकता को परमाणु त्रिज्या से जुड़ा हुआ माना जा सकता है? आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से, आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉनों और नाभिक में आकर्षण बढ़ता है। आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉनों और नाभिक में आकर्षण बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है तथा विद्युतात्मकता बढ़ता है। ठीक है, आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉनों और नाभिक में आकर्षण बढ़ता है और विद्युतात्मकता बढ़ता है। इसी आधार पर जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं, तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे विद्युतात्मकता का मान कम होता जाता है। ठीक है, तो यह आपने परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे आवर्त में और वर्ग में विद्युतात्मकता का परिवर्तन होता है। इसमें आपको बताया गया कि आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉनों और नाभिक में आकर्षण बढ़ता है तथा विद्युतात्मकता बढ़ता है। इसी प्रकार इसी आधार पर जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे विद्युतात्मकता कम होती जाती है। यह प्रवृत्ति जो है आयन एंथैल्पी के समान है, ठीक है। अब आप विद्युतात्मकता यह परमाणु त्रिज्या का संबंध जान गए होंगे, विद्युतात्मकता और परमाणु त्रिज्या का क्या संबंध है इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। क्या अब आप विद्युतात्मकता और अधातुओं के बीच संबंध की कल्पना कर सकते हैं? ठीक है, क्या अब आप विद्युतात्मकता और अधातुओं के बीच संबंध की कल्पना कर सकते हैं? अधातुएं जो हैं अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्ध की प्रबल प्रवृत्ति होती है, अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्ध की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसलिए विद्युतात्मकता का सीधा संबंध जो है वह अधातु तत्वों के गुणधर्म से होता है। ठीक है, अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की प्रबल प्रवृत्ति होती है, अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लब्ध की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसलिए विद्युतात्मकता का सीधा संबंध जो है अधातु तत्वों के गुणधर्म से होता है। इस प्रकार आवर्त में तत्वों की विद्युतात्मकता बढ़ने के साथ अधातु गुणधर्म में वृद्धि होती है। आवर्त में तत्वों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युतात्मकता बढ़ने के साथ ही अधातु गुणधर्मों में वृद्धि होती है या धातु गुणधर्मों में कमी होती है। इसी प्रकार वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की विद्युतात्मकता कम होने से अधातु गुणधर्म में कमी आती है। ठीक है, वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की विद्युतात्मकता जो है कम होने से
अधात गुणधर्मों में कमी आती है या धात गुणधर्मों में वृद्धि होती है। इन सभी आवर्त प्रवृत्तियों को संक्षेप में 3.7 में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इन प्रवृत्तियों को आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्त प्रवृत्ति को जो है इस ग्राफ में आप देख सकते हैं दर्शाया गया है, जिसमें आप ध्यान दें आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्त प्रवृत्ति के बारे में इस ग्राफ में बनाया गया है। आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्त प्रवृत्ति, इसमें आप देखें विद्युत रात्मकता जो है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर घटती है या नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ती है, जबकि परमाणु त्रिज्या जो है वह ऊपर से नीचे के जाने पर घटती है। परमाणु त्रिज्या जो है आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, घटती नहीं बढ़ती है परमाणु त्रिज्या जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है आवर्त में आगे बढ़ने पर बढ़ती है, जब हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आयन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। आवर्त सारणी के आवर्त में आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आयन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। परमाणु त्रिज्या जो है वह आवर्त में आगे बढ़ने पर घटता जाता है, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या का मान घटता जाता है। विद्युत रात्मकता जो है वह बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में बढ़ती रहती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है विद्युत रात्मकता जो है वह आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है वह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है जबकि नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है जबकि नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि आवर्त सारणी में तत्वों की आवर्त प्रवृत्ति क्या है। इसमें आपने देखा कि जब हम आवर्त में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आयन एंथैल्पी विरणकता के मान में वृद्धि होती है जबकि परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो विरणकता का मान जो है कम होता जाता है और परमाणु त्रिज्या का मान अधिक होता जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता जाता है और आयन एंथैल्पी का मान भी घटता जाता है। जब हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता जाता है, जब हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता जाता है, जबकि आवर्त में पीछे हटते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यह था आपका सभी आवर्त प्रवृत्तियों को संक्षेप में विवेचना देख सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे थे विद्युत रात्मकता के बारे में। ठीक है, इसमें आपको बताया गया कि परमाणु के रासायनिक यौगिक में ससंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता का गुणात्मक माप जो है विद्युत रात्मकता होता है। आयन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को मापा जा सकता है किंतु विद्युत रात्मकता को मापा नहीं जा सकता है। फिर भी तत्वों की विद्युत रात्मकता के लिए कई संख्या सूचक पैमाने का विकास हुआ है, जैसे पॉलिंग पैमाना, मुलिकन जफे पैमाना और अलर्ड राचो पैमाना आदि। पॉलिंग पैमाना जो है वह सबसे अधिक उपयोग में आता है। अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग ने 1922 में फ्लोरीन की विरणकता को 4 आंका था। इस तत्व की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। किसके पास? फ्लोरीन के पास। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता जो है किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं है। इसका मान इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व दूसरे तत्व से जुड़ा है। ठीक है, यह तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता जो है वह किसी दिए गए तत्व के लिए स्थिर नहीं है।
इसका मान जो है इस बात पर निर्भर करता है कि यह तत्व किस दूसरे तत्व से जुड़ा है। हालांकि यह मापने योग्य राशि नहीं है, फिर भी दो परमाणुओं के आपस में किस प्रकार के बल से जुड़े हैं इनकी प्रयुक्त करने का आधार देती है। ठीक है, हालांकि द्रव्यमान जो है मापने योग्य राशि नहीं है, फिर भी दो परमाणु आपस में किस प्रकार के बल से जुड़े हैं इसकी प्रयुक्त करने का आधार देती है, इसके बारे में आप आगे जानेंगे। साधारणतया विद्युतता जो है आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं तरफ लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर बढ़ती है और वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ फ्लोरीन से एस्टीन जाने पर कम होती है, लिथियम से एस्टीन तक कम होती है। यह प्रवृत्ति कैसे समझाई जाए? क्या विद्युतता को परमाणु त्रिज्या से संबंधित माना जा सकता है जो आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटती है और वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है? आवर्त में परमाणु त्रिज्या के कम होने से संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक का आकर्षण बढ़ता है और विद्युतता बढ़ती है। इसी आधार पर जब हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ती है वैसे वैसे विद्युतता कम होती जाती है। यह प्रवृत्ति आयनन एंथैल्पी के समान होती है। ठीक है, अब आप जो है विद्युत रात्मकता एवं परमाणु त्रिज्या का संबंध जान गए होंगे। क्या अब आप विद्युतात्मकता और अधातुओं के बीच संबंध की कल्पना कर सकते हैं? अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्ध की प्रबल प्रवृत्ति होती है। अधातु तत्वों में इलेक्ट्रॉन लब्ध की प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसलिए विद्युत रात्मकता का सीधा संबंध जो है अधातु तत्वों के गुणधर्म से होता है। इस प्रकार आवर्त में तत्वों की विद्युत रात्मकता बढ़ने के साथ ही अधातु गुणधर्मों में वृद्धि होती है। आवर्त में तत्वों की विद्युत रात्मकता बढ़ने के साथ ही अधातु गुणधर्मों में वृद्धि होती है या धातु गुणधर्मों में कमी होती है। इसी प्रकार वर्ग में नीचे जाने पर तत्वों की विद्युतता कम होने से अधातु गुणधर्मों में कमी आती है या धातु गुणधर्मों में वृद्धि होती है। इन सभी आवर्त प्रवृत्तियों को चित्र के माध्यम से हमने आपको समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा करेंगे रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।